देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिनेशपुर में ठाकुर अनुकूल चंद्र का 136वां जन्मोत्सव और नगर सत्संग विहार के 35वीं वार्षिकोत्सव पर नगर भक्ति के रस्में सराबोर हो गया। इससे पूर्व बांग्ला समुदाय के पुरुष और महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर ठाकुर जी की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम युवा सम्मेलन और मातृ सम्मेलन शुरू किया। मुख्य सभा में वक्ताओं ने ठाकुर जी के अनुयायियों को ठाकुर जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी दोहराते हुए विस्तार से बताया, सबको बचाना अपने बचाना और उसको तू ही धर्म समझाना। साथ ही उन्होंने ठाकुर जी के पवित्र ग्रंथ सत्याचारानुसरण के अंश को सुनते हुए कहा कि सदाचारी जीवन व्यतीत करने से भाई दूर भाग जाता है। और उन्होंने बताया कि सभी से प्रेम करो। इस दौरान अनुयायियों ने ठाकुर जी की कविताएं, भजन और एकल गीतों की प्रस्तुति दी। इस बार हमारे आचार्य देव का जो निर्देश है, ये हर व्यक्ति को ठाकुर से जुड़ना है। बहुत लोग ठाकुर से दीक्षा लिए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बिछड़ गए हैं। बिछड़ गए इसीलिए कि जो ठाकुर जी का जो नीति नियम है वो सब मान नहीं पाते हैं और उनके साथ संपर्क भी नहीं बन पाता है। और कोरोना काल में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ और जिससे कि सत्संग वगैरह सारे बंद रहा। इससे चलते मनुष्य जो ठाकुर का नीति नियम को भूल गए, सत्संग में शामिल होना जो होता था रेगुलर बेसिस में, वो सब अभ्यास छूट गया। इससे कि वो ठाकुर से काफ़ी दूर चले गए हैं। लेकिन ठाकुर से जितना हम दूर जाते हैं उतना हमें दुख कष्ट और मैंने हर समस्या का प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है हमारे जीवन में। और जितना समस्या आएगा जीवन में उतना कष्ट भोगना पड़ता है। और जो ठाकुर हमारे प्रेमी जो है, मानव प्रेमी है, वो ठाकुर हमेशा चाहते हैं कि मनुष्य सुखी हो, मनुष्य आनंद में रहे और उन्नति करे जीवन में। इसलिए उनका जो धर्म का एक रूप है बचना पढ़ना, जो बचना है पढ़ना है, अच्छा रहना। और जो अहंकार होती है जन्म दिवस है, जन्म महोत्सव है, हम लोग दिनेशपुर में मनाते हैं। भक्त लोग आए हैं और आए मंच का संग्रहण करें। चंद्र जी के भाव आदर्श में रविन्द्रनाथ मंच पर आए संग्रहण करें। कैसे गठन किया जाता है इस भूमिका मानस नायक हमारी आसन ग्रहण करें। जो है माती सम्मेलन आलोचना आसन ग्रहण करें, उनके बारे में आलोकपात किया। और जो आप लोग आसन ग्रहण करें, हमारे जो छोटे छोटे माताएं भी हैं, सामूहिक माताओं ने संगीत प्रस्तुत किया बहुत ही सुंदर ढंग से। और एक ग्रुप में जो है हमारे छोटे छोटे माताओं ने इन्होंने नृत्य गीत के साथ और संगीत आज की सभा में बहुत एक विशेष किया। कार्यक्रम ये है ठाकुर जी कि हमारे यहाँ पे सबसे वैभवी रुचिता से मंदिर का जो बहुत पुरानी कर्मी है और वैभवी हो गए हैं, हम उसका सम्मान करेंगे। तो मैं जितने आए उन्होंने उनका सम्मान करेंगे। बहुत नारियों के भूमिका में, विषय में या हमारे संसार गठन के कार्य में कहीं पे भी हम लोगों ने नहीं पाया है।